यही गुटबाजी कर रहे थे क्या पूरा देश घूमकर कि सरकारी बैठकों से बहिष्कार करो, यही है नीतीश कुमार जी पर आरोप। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा जो है बेहद सुर्खियों में है। लगातार विपक्ष इस पर हमला बोल रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस मामले की सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि ये मामला वैसा है नहीं जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ जाए। अब बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये मामला ऐसे गया था कि जो उद्घाटन समारोह है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के जगह वहां पे द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन कराया जाए, इस बात की उसमें याचना की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। अब बता दें कि अब एक और जो है आज दिल्ली में बैठक हुई जिसमें नीति आयोग की तरफ से यह बैठक की गई प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता में, जिसमें तमाम मुख्यमंत्रियों को शामिल होना था। हालांकि नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए, उन्होंने साफ तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि में शामिल होने का हवाला दे दिया। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं और भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। इसी पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार को सुनाते हुए कह दिया है कि ये अपने पर्सनल ईगो के चलते बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए है। और उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। स्पष्ट है, नीति आयोग में इनके प्रतिनिधि भी जाते रहे और ये स्वयं भी जाते रहे और ये कहते हैं ना कि हमारी चिंता नहीं है भारत की सरकार, इसलिए हमारा है कि आपको जाना चाहिए। और आप यही गुटबाजी कर रहे थे क्या पूरा देश घूमकर कि सरकारी बैठकों से बहिष्कार करो, यही है नीतीश कुमार जी पर आरोप कि आप कोई राजनीतिक कार्य इस तरह करेंगे कि सरकारी कार्यक्रम से भी लोग बाहर चले जाए। दोहरी नीति इनकी बन गई है, इसलिए काम करना चाहिए, बिहार की चिंता करनी चाहिए। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, मैंने कहा कि स्वर्गीय पंडित नेहरू की जयंती था इसलिए हम नहीं गए, अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अरे पंडित नेहरू जी का आप जयंती सवेरे मनाकर दिल्ली चले जाते, आयोग में के बैठक में चले जाते, जयंती तो मनाए, आपकी विचारधारा प्रधानमंत्री रहे हैं जरूर मनाना चाहिए, लेकिन आप बैठक में नहीं जाएंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि इसलिए मैं नहीं गया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं नहीं एकदम जाना चाहिए, वहां के सांसद है वो, आदरणीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं वहां का सांसद हूं। अब ये लोग बड़े लोग हैं तो हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। नीतीश कुमार जी ने कहा है, सवाल खड़ा कर दिया है, संसद भवन की जो नया संसद भवन बनाना चल रहा है उसको लेकर के इसका औचित्य क्या है, इसकी जरूरत क्या है? देखिए ठीक कर रहे हैं आप, इन्होंने म्यूजियम नया बनाया किसने रोका, क्या म्यूजियम बनाया ना, और पटना उच्च न्यायालय ने कहा ये फिजूल खर्ची है, बना कि नहीं बना, किसी न्यायालय के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट आए तो सोचूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी जवाब दे कि पटना में नया म्यूजियम बना, पटना उच्च न्यायालय ने कहा यह फिजूल खर्ची है, अब हम इसको बदल नहीं सकते, तो नीतीश बाबू को इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए यह पूरी व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था बनाई गई कि पार्लियामेंट के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ एक नया भवन बनाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरा इतिहास बदलना चाहती है। अब नीतीश कुमार जी को, नीतीश बाबू एक चीज समझिए कि उनको तो स्क्रिप्ट आजकल लिख के दिया जा रहा है, वही बेचारे पढ़ रहे हैं, देखे होंगे वो पर्ची लेके घूम रहे आजकल, तब तो आधा बात याद नहीं रहता है। तो बिहार का क्या दुर्भाग्य हो गया ये सोचिए कि नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो आजकल स्क्रिप्ट के हिसाब से बातें रख रहे हैं, अब उनको याददाश्त है नहीं, आधी बात भुला जाते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने वाले से आग्रह करूंगा कि उनको कम से कम अच्छी अच्छी बातें लिख के दीजिए कि बिहार का कल्याण हो सके।
जिस तरीके से आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने कह दिया कि नीतीश कुमार अपने पर्सनल ईगो के चलते बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें जिस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए वो उस मुद्दे पर कतई ध्यान नहीं दे रहे। ये अक्सर जो क्रियाकलाप करते हैं ये राष्ट्र विरोधी होता है, कहीं से भी ये बिहार के हित में नहीं होता है, जिसमें उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन मुद्दों पर वो ध्यान देते हैं, उनकी आखिर क्या मंशा है, वो कैसी राजनीति कर रहे हैं ये तो वही समझेंगे। लेकिन ये बात सच है कि बिहार की जनता को विकास चाहिए और बिहार को तरक्की चाहिए, जिस पर नीतीश कुमार कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।